लाल निशान में इस समय। लेकिन चलिए मैं क्विकली आगे बढ़ रहा हूँ। एनआईटी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विजय थड़ानी साहब जुड़ते हुए। थड़ानी साहब स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। अच्छा रिजल्ट्स आए एनआईटी लिमिटेड के, मैं नंबर्स पे बाद में बात करूंगा थड़ानी साहब, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट एनआईटी टेक्नोलॉजी का वो स्टेक सेल फाइनली आप लोगों ने अनाउंस कर दिया। पहले मुझे बताएं एनआईटी टेक्नोलॉजीज में एनआईटी लिमिटेड ने प्रमोटर्स ने क्यों माल बेचा, क्यों आपने अपना स्टेक बेचा? जब 2004 में एनआईटी और एनआईटी टेक्नोलॉजीज का डीमर्जर हुआ था, दैट टाइम एनआईटी रिटेन्ड 25% इन एनआईटी टेक्नोलॉजीज। एंड व्हाई डिड इट रिटेन? बिकॉज it felt that the investments that NIIT had made in NIIT Technologies Limited, it had not got the value for that, and therefore at an appropriate time in future that stake will be sold. So this was a declared intention. In fact, for the last 15 years in every quarterly call I answered this question कि when will this stake sale happen? So I tell them that at the right place, at the right time. नहीं वो finally हो गया सर। अच्छा NIIT Limited का 23% stake था NIIT Technologies में, तो आपको stake sale के जरिए 2000 करोड़ रुपए के आसपास जो मिले हैं, क्या इरादा है सर, उस पैसे का इस्तेमाल क्या होगा, क्या डिसाइड किया आपने? तो उसके लिए बोर्ड ने एक कमिटी अपॉइंट की है जिनको अगले 40 दिन के अंदर अपना काम खत्म करेंगे, और क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के टाइम उस बोर्ड की कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे अगला एक्शन लिया जाएगा। क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को फुल्ली ऑडिट भी कराया जाएगा, क्योंकि अगर इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट लेना है और उस बैलेंस शीट को ट्रीट करना है तो वो बैलेंस शीट जो है वो ऑडिटेड होनी चाहिए। तो वो 30 जून को की जो बैलेंस शीट है वो फुल्ली ऑडिट हो जाएगी, और उसके बेसिस पे सब एलिजिबिलिटीज वगैरह पता चलेंगी। तो अच्छा तो एक तो 5 रुपए का आप लोगों ने डिविडेंड अनाउंस करा, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये पैसा, तो हम सब शेयर होल्डर्स की बड़ी पहली नजर थी सर, इतना तगड़ा पैसा एनआईटी लिमिटेड के पास आया एनआईटी टेक्नोलॉजीज के स्टेक सेल से, तो कोई लमसम अमाउंट आने वाला होगा, और एक्सपेक्ट करूं क्या कुछ और पैसा हमारे पास आने वाला है क्या सर? देखिए जो बाकी का अमाउंट है वो कुछ टैक्सेस और कॉस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन और डेट रिटायर करने के लिए जाएगा, कुछ अमाउंट जो है वो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए मिलेगा, और कुछ अमाउंट जो है वो ग्रोथ कैपिटल में डिप्लॉय होगा। तो शेयर होल्डर्स को कमिटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे शेयर होल्डर्स को के लिए भी कुछ एक रिवॉर्ड का अमाउंट होगा। अच्छा एनआईटी टेक्नोलॉजी डायरेक्टर द्वारा स्क्रीन पे स्टॉक लिख रहा है एनआईटी टेक्नोलॉजी, ये स्टॉक 1300 रुपए के आसपास के लेवल पे सर चल रहा है, जो ओपन ऑफर है वो खुलना है अब, है ना, आज से। अच्छा ये क्या करूं, क्या मुझे अब सरेंडर कर देना चाहिए इसमें, क्योंकि मैंने तो पैसा लगाया था आप लोग के पेरेंटेज, आप लोग के प्रमोटर होल्डिंग बैकिंग को देखते हुए, अगर मानूं ऐसा है तो क्या करना चाहिए, आप लोग की गाइडेंस की जरूरत है सर। देखिए अब एनआईटी टेक्नोलॉजीज के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एनआईटी टेक्नोलॉजी से पूछने चाहिए, अभी आप एनआईटी लिमिटेड से बात कर रहे हैं। ठीक है ये ध्यान रखें, जो प्राइस है वो यहाँ से ऊपर का है 1390+ का है, और ये स्टॉक 1300 के लेवल्स आसपास चलता हुआ, ठीक बात। चलिए थड़ानी साहब धन्यवाद वक्त निकालने के लिए आज, और स्टेक सेल पे खास तौर पे डिटेल में बातचीत करने के लिए। मैं क्विकली आप छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार एसएमई कॉर्नर लेकर आऊंगा, एक मैनेजमेंट से रूबरू कराऊंगा।